हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ सरद सिटी मॉल, जो कि इंडिया का लार्ज शॉपिंग मॉल में से एक है। तो आज यहाँ पे आप लोगों को टूर कराऊंगी सरद सिटी मॉल की। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं जैसे कि सरद सिटी मॉल में आई हूँ, और ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये हैदराबाद का सबसे बड़े मॉल में से एक है। सबसे बड़ा तो हैदराबाद का है ही, साथ ही में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट मॉलों में से भी एक है। यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग आप लोग कर सकते हो। तो चलिए आज दिवाली का शॉपिंग यहीं से करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल बने रहे। तो चलिए चेकआउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये मॉल बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे 7 to 8 इसका फ्लोर है। 8 फ्लोर में आप लोग फन सिटी, गेमिंग, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा 8 फ्लोर में। थोड़ा थोड़ा पोर्शन अभी तक बंद है। 7th फ्लोर में भी सेम है, गेमिंग का बहुत सारा ऑप्शन है। और साथ ही में जो कि 6th फ्लोर है वो पूरा ही फूड कोर्ट में है। और 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, बहुत सारा यहाँ पे AMB मॉल है। लाइक यहाँ पे आप मूवी देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत सारा शॉप्स है, ब्रांडेड है, लोकल है, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को करने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से ही आज दिवाली का शॉपिंग करने वाली हूँ, बहुत सारा ड्रेसेस लेने वाली हूँ, और साथ ही में बहुत कुछ करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे मस्ती करेंगे। यहाँ पे आ गए थे अभियुक्त, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, साथ ही में अभियान है, पापा है। तो बहुत लोग, बहुत सारा कुछ, बहुत मस्ती करेंगे यहाँ पे। तो शॉपिंग मॉल ना दिवाली के लिए एकदम डेकोरेट करा हुआ था, बहुत सारा लाइटिंग यहाँ पे चल रहा था। अभी हम लोग जब आए हैं मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट नहा धो के सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ही आ गए हैं, क्योंकि अरे भाई, दिवाली का शॉपिंग है, बहुत कुछ लेना होता है। और पता है फ्रेंड्स, और एक चीज़ होता है कि लाइक अब जब भी कोई बड़ी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये देखो, वो देखो, क्या करूँ, मतलब समझ में ही नहीं आता है कुछ, तो बहुत कॉन्फ्यूशन भी रहता है। तो साथ ही में यहाँ पे सब कुछ चल रहा था, आज हम लोगों ने यहीं पे सोचा था कि चलो यार, यहाँ पे लंच भी कर लेते हैं, हो सके तो डिनर भी। नो नो नो, आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यूजुअली मैं इतना साड़ी ख़रीदती नहीं हूँ, मगर ये साड़ी मुझे काफ़ी सही लग रहा था। तो चलिए देखते हैं कि ये साड़ी का प्राइस क्या है, कितना क्या है, वो सारा कुछ चेकआउट करते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ से थोड़ा सा मेकअप का सामान भी ख़रीदने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने मेकअप का कोई सामान वगैरह नहीं ली थी। और फ्रेंड्स, आप लोग दिवाली में क्या कर रहे हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ लाइफस्टाइल में। यहाँ पे लाइफस्टाइल ही 2-3 फ्लोर ही है लाइफस्टाइल का यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे बच्चों का भी बहुत सारा ड्रेसेस है, तो बहुत कुछ लेने वाले हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे मिलता है और क्या नहीं मिलता है। फाइनली देखिए, ये वाला जो ड्रेस है मैंने ऑलरेडी परचेस की हो, और साथ में मैंने ये पहन के घूम भी रही हूँ, और थोड़ा बहुत मेकअप भी, ये सामान भी मैं यहाँ से ली हूँ। और अभी एक्चुअली थोड़ा सा बीच में ना फूड कोर्ट आ गई थी, थोड़ा सा प्यास लग गया था, तो थोड़ा सा ड्रिंक्स ख़रीद के थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारा शॉपिंग है। और साथ ही में ना बच्चों को लेके शॉपिंग मॉल में आना मतलब और एक मुश्किल होता है, कि बच्चे यहाँ पे भाग जाते हैं, उसको भी ये देखना है, वो देखना है, ये करते रहते हैं। तो बीच में ना मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ जी, बीच में ना मम्मी और मेरे पापा को अभियान के साथ घर भेज दिया था मैंने, क्योंकि एक्चुअली अभियान को थोड़ा सा
अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था क्योंकि लंच का टाइम है। लंच तो उसने कर ली था, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसको सोना था तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो इसलिए बीच में उसको घर में छोड़ दिया था। मैं कैब बुकिंग करके उसको छोड़ दिया था, और क्योंकि दिवाली का शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत टॉयज़ वगैरह ये सब देखने की कोशिश कर रही थी। और ये देखिए, ये वाला पिंक कलर का जो लिपस्टिक है ये मैंने परचेज़ की थी। और साथ ही में एक बार आप लोगों को मॉल का ऊपर का सेक्शन भी मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे ना फर्नीचर वगैरह भी कमाल का मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे, इनफैक्ट किचन का आइटम भी बहुत सारा है। ये जो किचन हब बोल के एक शॉप है, यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को किचन का सामान मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ में है, बहुत कुछ है यहाँ। साथ ही में बुक्स के शॉप है, टेपर वेयर का शॉप है, जो खुश आप लोग कर सकते हो। और साथ ही में ये डैनू वे बोल के भी एक शॉप है, जिसमें ना बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर का कलेक्शन रहता है। नॉट ओनली फर्नीचर, फर्निशिंग का भी बहुत सारा कलेक्शन है। शायद दो सेक्शन है, दो फ्लोर है फर्नीचर और इंटीरियर का भी, तो काफ़ी बड़ा है। और काफ़ी, मतलब आज मैं आई हूँ क्योंकि एक्चुअली सैटरडे संडे अगर आने की कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, तो इसीलिए सैटरडे संडे नहीं, मैं ऑफ डे में ही आती हूँ हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा क्राउड कम रहता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ ना, ये मॉल के बिल्कुल अपोजिट साइड में, जैसे कि आप लोगों को मैं बताई थी कि यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं लंच, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे है प्लेटफॉर्म 65। तो प्लेटफॉर्म 65 बेसिकली एक ट्रेन थीम रिलेटेड एक रेस्टोरेंट है, तो बहुत ही कमाल का है ये। बहुत शहरों में से है, लाइक हैदराबाद में तो है ही, साथ ही में मुझे जितना पता है वाइजैक में इन लोगों का है, तो और भी सारा, और भी बहुत कुछ ब्रांचेस इन लोगों का है। अभी कभी अगर हैदराबाद में रहते हो या फिर हैदराबाद घूमने के लिए आए हो, तो ज़रूर ये रेस्टोरेंट में आना, ट्राई करना। ये देखिए यहाँ पे ट्रेन पूरा एकदम है, और ट्रेन ही यहाँ पे जो वेटर का काम करता है, ट्रेन ही यहाँ पे खाना लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन में खाना आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे आने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को फ्रेंड बताना चाहती हूँ, कि यहाँ पे ना खाना एक साथ ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि एक साथ खाना ऑर्डर करेंगे तो ट्रेन पूरा एक साथ ही खाना लेके आ जाएंगे, ट्रेन बार बार आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एक करके ही ऑर्डर करना है, ताकि बार बार ट्रेन आए। और बच्चे ना ये देख के बहुत मज़े भी करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर इसको ट्राई करना, यहाँ पे वेज नॉन वेज बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा हंगरी हो चुके थे, अभी लंच तो हम लोग कर रहे थे, मगर टाइमिंग हो रहा था अराउंड क्या बोलो कि 3:30 अराउंड टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट, मतलब क्या बोलो, स्नैक्स खाने का टाइमिंग हो रहा था, तो बहुत लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा हम लोग हंगरी हो गए थे। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और जो लोग चैनल में हो प्लीज़ लाइक कर देना एक। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ आइटम आ गया था, तो हम लोग करते हैं इसको एन्जॉय। और आज के लिए बस यही तक, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।